अगर आप भी मेरी तरह बहुत ही मज़ेदार किस्म का चाउमीन बनाना चाहते हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले आपने स्पेगेटी को बॉईल करना है। बॉईल हुए पानी में आपने थोड़ा सा नमक डालकर स्पेगेटी को बॉईल कर लेना है। नॉर्मली स्पेगेटी 7 to 10 मिनट्स लेती है बॉईल करने के लिए, लेकिन हर पैकेट की टाइमिंग डिफरेंट होती है, तो आप अपने पैकेट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अपनी स्पेगेटी को बॉईल करें, ड्रेन करें और फिर इसे ठंडे पानी से वॉश कर लें। अब आप एक पैन में ऑयल ले लें और चॉप किया हुआ गार्लिक ले लें। गार्लिक को हल्का सा सौते करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना बोनलेस चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन को हमने अच्छी तरह से कुक करना है, इतना कि उसका कलर चेंज होने लगे और वो वाइट कलर में चेंज हो जाए। वंस वो वाइट हो जाता है तो सबसे पहले आप इसके अंदर नमक डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चों का पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर, बस इतने से मसाले हैं। इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। उसके बाद आप इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करोगे। सबसे पहले ग्रीन चिलीज़ है, अनियन है, कैरेट है, कैप्सिकम है, किसी भी कलर वाली कैप्सिकम आप ले सकते हो, ब्लैक ऑलिव्स है और कैबेज है यानी बंद गोभी। इसे अच्छी तरह से आप कुक करोगे, तकरीबन 1 to 2 मिनट में हाई फ्लेम पर ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, काफ़ी अच्छी तरह से। उसके बाद आप चिली सॉस ऐड करोगे, कैचअप ऐड करोगे और सोया सॉस ऐड करोगे। ओयस्टर सॉस भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया बिकॉज वो हर घर में अवेलेबल नहीं होता। सोया सॉस इज़ अवेलेबल एवरीवेयर और सोया सॉस से बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आता है, जो हमारा चाउमीन का एक सिग्नेचर कलर होता है। उसके बाद अपना बॉयल किया हुआ स्पेगेटी आप इसके अंदर ऐड करोगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करोगे, टॉस करोगे, ताकि सारा जो मसाला है चिकन वगैरह वो स्पेगेटी में फ्लेवर दे दे। लास्ट में आपने स्प्रिंकल करने हैं ग्रीन अनियंस, ये लास्ट में, क्योंकि फ्रेश फ्रेश क्रंची क्रंची बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करें एंड सर्व करें एंड ज़रूर ट्राई करिएगा बिकॉज दिस रेसिपी इज़ सो गुड, सो यमी, एंड ट्राई करना बनता है बॉस।